5000 सालों से क्या आज भी जिंदा है सूप रखा मक्का मदीना में। आज के इस वीडियो में मक्का मदीना का ऐसा रहस्य बताएंगे जो जुड़ा है हिंदू धर्म के इतिहास से, और इसकी सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। रामायण के अनुसार श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को उसकी कैद से आजाद किया और लंका का राजभार विभीषण को सौंप दिया। रामायण काल में लगभग सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन एक राक्षसी ऐसी थी जिसका केवल जिक्र शुरुआत में ही होता है, और उस राक्षसी का नाम है सूपनखा। सूपनखा ने जब पहली बार भगवान श्री राम को देखा तो वह उनके रूप पर मोहित हो गई और श्री राम से शादी करने की बात कहने लगी, लेकिन प्रभु श्री राम माता सीता को ही अपना सब कुछ मानते थे तो उन्होंने सूपनखा की उस बात को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद सूपनखा को माता सीता पर बहुत क्रोध आने लगा। उसके बाद जब सूपनखा माता सीता को मारने के लिए आगे बढ़ी तो लक्ष्मण जी ने आगे बढ़कर उसके नाक और कान काट दिए। उसके बाद जब सूपनखा उसी हालत में अपने भाई रावण के दरबार में पहुंची, अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया, और इस घटना की वजह से ही पूरी रामायण हुई, और कहते हैं सूपनखा की वजह से ही रामायण हुई और एक एक करके सभी राक्षसों का अंत हुआ, लेकिन अंत में वही जिंदा बच गई। अब सवाल यह उठता है कि रामायण खत्म होने के बाद सूपनखा का क्या हुआ, आखिर वह कहाँ गई। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की नई नई रहस्यमय जानकारी आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सूपनखा के बारे में। लक्ष्मण जी ने सूपनखा के नाक और कान को काट कर छोड़ दिया था। इसके बाद वह कपड़े से अपने मुंह को छुपा कर रखती थी। रामायण में जब रावण का वध हुआ तो सूपनखा अपने पति आदम के साथ गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई और जंगल में शुक्राचार्य के आश्रम में रहने लगी। आगे हम इतिहास की एक ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं, इसके बाद आपको पता चलेगा कि आखिर इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई, आखिर सूपनखा का कनेक्शन इस्लाम धर्म के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, आखिर मुसलमानों की उत्पत्ति सूपनखा से कैसे हुई। राक्षसों का वंश खत्म ना हो इसीलिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की बहुत घोर तपस्या की। फिर महादेव ने अपना एक स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को दिया और कहा कि जिस दिन भी एक सनातनी इस शिवलिंग पर जल चढ़ा देगा उस दिन सारे राक्षसों का इस दुनिया से नाश हो जाएगा। अब यह शुक्राचार्य की जिम्मेदारी थी कि वह किसी भी तरह से सनातनियों से उस शिवलिंग को बचाना चाहते थे और उस आत्मलिंग को सनातनियों से दूर रखने के लिए समंदर के पार, समंदर से कोसों मील दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जो आज भी अरब देश में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। आपको शायद यह सुनकर अजीब लग रहा होगा कि मैं यह कैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन यही सच्चाई है और पौराणिक के तथ्यों पर आधारित है। महान इतिहासकार PNO अपने बुक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में लिखते हैं, मक्का मदीना में शिवलिंग होने का स्पष्ट प्रमाण दिया है। आइए जानते हैं कि सूपनखा ने इस्लाम की उत्पत्ति कैसे की। दरअसल इस्लाम एक मजहब है। मजहब का मतलब होता है कि अपने कबीले के गिरोह को बढ़ाना। यह बात सभी जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरब निवासी हैं। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहां जंगल नहीं है, इसीलिए वहां मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी ना होने के कारण जमीन में दफनाने का रिवाज चला है और वह सिलसिला इस्लाम में आज भी कायम है। सूपनखा जो उस समय चेहरा ढक कर रखती थी वह परंपरा आज भी कायम है। इस्लाम धर्म की औरतें अपने चेहरे पर हिजाब डालती हैं। सूपनखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं क्योंकि शुक्राचार्य ने इन्हें जीवन दान दिया था। इसीलिए आप यह बात जरूर जानते होंगे कि शुक्रवार का दिन इनके लिए महत्वपूर्ण होता है।
लेकिन दोस्तों जहां पर महादेव होते हैं वहां माता गंगा का होना तो निश्चित है। और मक्का मदीना में माँ गंगा के हमें किस रूप में दर्शन होते हैं आगे जब हम इस वीडियो में बताएंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मक्का मदीना में शिवलिंग है या नहीं, यह जानने के लिए हमें पहले मक्का मदीना की कहानी विस्तार से जाननी होगी। इसके बाद यह बात हम समझ पाएंगे कि मक्का मदीना में सचमुच में मक्केश्वर महादेव विराजमान है। मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान मक्का मदीना अरब देश में है। हर साल पूरी दुनिया से हजारों लोग मक्का मदीना में अपने गुनाहों की क्षमा मांगने और जन्नत पाने की इच्छा से जाते हैं। जिस तरह हिंदू चार धाम की तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं उसी तरह ये मुस्लिम तीर्थ यात्रा करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं। लेकिन कई ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक आपको पता नहीं होंगे। मक्का मदीना में शिवलिंग होने की बात कई इतिहासकारों ने कही है। रोमन इतिहासकार जिनका नाम दोदत सबसे है उन्होंने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मक्का मदीना में पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। यह उस समय की बात है जब मुस्लिम यहाँ इबादत नहीं करते थे। उस समय वहाँ मक्का मदीना भी नहीं बना था। ऐसे में वहाँ पर मक्केश्वर महादेव की पूजा की जाती थी। कई प्राचीन कहानियों में इसका जिक्र मिलता है कि मक्का मदीना में बहुत बड़े काले रंग का एक शिवलिंग था जिसकी लोग पूजा करते थे। ऐसा माना जाता है कि वह शिवलिंग आज भी खंडित अवस्था में मक्का में मौजूद है। शिवलिंग को एक क्यूब आकार के बॉक्स सा घर दिया गया है ताकि सनातनियों को कभी इस बात की भनक ना पड़े और वह लोग इसी कमरा नामक घर की इबादत करते हैं। इतिहासकार PNO अपने पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र के इतिहास में बताया है। आइए जानते हैं कि माँ गंगा मक्का मदीना में किस रूप में विराजमान है। यह बात बिल्कुल सच है कि जहाँ महादेव का शिवलिंग होता है वहाँ माँ गंगा अवश्य होती हैं। मक्का मदीना में काबा के पास एक बहुत ही पवित्र झरना बहता है। कहते हैं कि इस पवित्र जल को ग्रहण करके लोग धन्य हो जाते हैं और मुसलमान लोग इस पवित्र जल को जमजम के नाम से पुकारते हैं। और वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि यह पानी हमेशा शुद्ध रहता है, बिल्कुल पवित्र माँ गंगा के जल की तरह। यह पानी सभी को सूट होता है और इस पानी में चाहे जितनी भी रसायन डाल दी जाए, कितने भी अशुद्ध पदार्थ डाल दिए जाएं, पर इस पानी के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए इस पानी को माँ गंगा के साथ जोड़कर देखा जाता है। हज करने के बाद मुसलमान लोग इस जल को बोतल में भरकर अपने साथ ले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि माँ गंगा के जल को लोग अपनी बोतल में भरकर अपने घर लाते हैं। मक्का में बहुत सी रीतियाँ इस तरह से निभाई जाती हैं जैसे कि सनातनियों में पूजा के वक्त निभाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों यह आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाँ पर मक्केश्वर महादेव विराजमान हैं वहाँ पर सनातनियों का पूरी तरह से जाना वर्जित है। मक्का मदीना में सभी तरह के गैर मुसलमानों का जाना वर्जित किया गया है। फिर चाहे वह हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो या फिर किसी और अन्य धर्म का हो, मुसलमानों के अलावा कोई भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव ने शुक्राचार्य से कहा था कि कोई भी सनातनी अगर इस शिवलिंग पर जल चढ़ा देगा तो उसी वक्त असुरों का विनाश हो जाएगा। अगर महादेव पर जल अर्पित होगा तो मक्केश्वर महादेव सभी राक्षसों का वध कर देंगे और पुनः सतयुग का निर्माण होगा, राक्षसों का अंत होगा और सनातन धर्म का डंका चारों ओर बजेगा।